गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखते हैं, अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के खानी। यानी 14 साल का वनवास काट के जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो पूरी अयोध्या सजी हुई थी। महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं, घरों में पताकाएं लहरा रही थीं, बाहर सोने के कलश में माणिक रख के प्रभु श्री राम के स्वागत की तैयारियां थी। वो त्रेता युग था और आज भी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाने की तैयारी है। देश की सबसे बड़ी और भव्य दिवाली अयोध्या में मनने जा रही है। वैसे तो 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, अयोध्या में दीपोत्सव भव्य होता है। लेकिन इस बार के दीपोत्सव में एक खास बात यह है कि जनवरी 2024 में जो भक्तों का कई साल का इंतजार था वो खत्म होने वाला है। यहाँ भव्य राम मंदिर बन गया है, गर्भगृह में भक्त दर्शन कर सकेंगे। तो ऐसी दिवाली, उस दर्शन के पहले की दिवाली भव्य और भी भव्य होने जा रही है। तो व्यापक इंतजाम कर रहे हैं, यहाँ पे हम वॉलंटियर्स की संख्या हम लोगों ने काफ़ी बढ़ाई है और दीपों की संख्या काफ़ी इस बार बढ़ाए हैं। लगभग हम लोग 24,59,000 दीप 51 घाटों में हम प्रज्वलित करेंगे और उसका भी रिकॉर्ड लगभग 21 लाख का आएगा, जो हम लोगों ने टारगेट से ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं। और साथ साथ हम 10 लाख दिए जो विभिन्न मंदिर हैं, राम जन्मभूमि है और विभिन्न कुंड हैं, घाट हैं, उसमें हम प्रज्वलित करने जा रहे हैं। तो काफ़ी बड़े स्तर पे उसमें भी हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी और जो हमारे व्यापार बंधु, उद्योग बंधु, जनप्रतिनिधि और हमारे अयोध्या के नागरिकगण सब इसमें सहभागी बन रहे हैं। तो काफ़ी व्यापक कार्यक्रम है और हम उसको बड़े स्तर पर कर रहे हैं। तो इस तरह से इस राम की पैड़ी पे श्रृंखला से घाट बने हैं, 51 घाट है जहाँ ये दिए जलाए जाएंगे। और सारे घाट में जो वॉलंटियर्स हैं इस समय अपने अपने घाट की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, दिए सजाए जा रहे हैं। मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं, मेरे सीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम। अयोध्या की वो गरिमा, वो सुंदरता, वो मानव की मानवता, ये राम राज बैठी त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। और यहाँ तक कि न कोई वृद्ध, जब भगवान राम बन के गए हैं तो जो बच्चा रहा बच्चे रह गया, जो वृद्ध रहा वृद्ध रह गया, जो जवान रहा जवान रह गया, सबके सब उनके आने पर यह हर्षित हुए। तो ये दृश्य जो अनुपम दृश्य रहा जब भगवान राम आए और जो अयोध्या वासी ने उनका स्वागत किया, वही रूप अब दिखाई दे रहा है कि इस साल की जो दीपावली है, दीपोत्सव, वो पूरे मंदिर में सभी जगह सड़कों पर, गलियों में और प्रत्येक मंदिरों में ये दीपक प्रज्वलित किया जाएगा, जिससे वो दृश्य दिखाई दे जो त्रेता युगी दृश्य थी। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मंदिर बन रही है, बट कंप्लीट नहीं देख पाए, बट फिर से आना पड़ेगा जब कंप्लीट हो जाए तो। और सामने तो फेस्टिवल भी है तो उससे दिवाली की और चांद चार लग जाएगी। सब कुछ जय श्री राम सब और सुनाई दे रहा है तो चार चांद लग रहा है, जैसा सोचे थे उससे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है आके यहाँ। अयोध्या बहुत बढ़िया है, आवर ड्रीम इज टू कम्प्लीट फुलफिल, जो स्वप्न था वो पूरा हुआ है जी। बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या आने का, देखने का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो छोटा बच्चा है उसको भी पता हो जाए श्री राम भगवान कौन है हमारे यहाँ का। बिल्कुल, भारत श्री राम का देश रहा है शुरू से और हमारे सभी लोगों के लिए गौरव की बात है कि आज ये भव्य राम मंदिर तैयार हुआ है और इसमें योगी जी और मोदी जी का विशेष धन्यवाद करते हैं हम लोग। अयोध्या बहुत अच्छी लग रही है और गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ राज प्रयाग सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां रामचंद्र जी लिए अवतार।